दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त अपने जमाने के सुपरस्टार थे और उनके बेटे संजय दत्त भी एक दिग्गज अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है संजय दत्त के चाचा भी एक एक्टर थे। उन्होंने लगभग 22 फिल्मों में काम किया था। दरअसल सुनील दत्त ने अब अपने शानदार अभिनय से लोगों के बीच अपनी जबरदस्त पहचान बना ली थी, तब उन्होंने अपना खुद का फिल्म बैनर अजंता आर्ट्स शुरू कर दिया था। होम प्रोडक्शन फिल्म बैनर की देखभाल के लिए उनके छोटे भाई सोम दत्त ने उनका साथ दिया। उन्होंने ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और यादें जैसी उनके बैनर तले फिल्मों में असिस्ट किया। तब तक सोम दत्त ने फिल्म निर्माण की मूल बातें सीख ली थी, लेकिन प्रोडक्शन वर्क असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए बैक सीट में रहना चुना। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इसी बीच सोम दत्त को एक्टिंग के प्रति झुकाव हुआ और सुनील दत्त ने उन्हें अपने बैनर तले 1969 में बनी फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया। इसमें उनके साथ लीना चंदवाकर एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी। आपको बता दें विनोद खन्ना की भी ये फिल्म थी, लेकिन वो इस फिल्म में विलन के रूप में नजर आए थे। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि विनोद खन्ना और लीना चंदावकर आगे चलकर स्टार बने, लेकिन सोम दत्त फिल्मों में अपने बड़े भाई की तरह जगह नहीं बना सके। फिल्म मन का मीत तो सुपरहिट हुई, लेकिन उसके बाद सोम दत्त चल नहीं पाए। उन्होंने लगभग 22 फिल्मों में काम किया, लेकिन इंडस्ट्री में वो अपने भाई सुनील दत्त की तरह अपनी पहचान नहीं बना सके और फिल्मों से दूर चले गए। एक्टिंग छोड़ने के बाद वो अपने गांव मंडोली वापस चले गए। इसके बाद उन्होंने अपना ज्यादातर समय अपने गाँव में बिताया और लंबी बीमारी के बाद 2015 में उनका निधन हो गया। उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा में से कोई भी फिल्म जगत में नहीं जुड़ा है।